हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइम मोटिवेशन। मैं प्रीतेश एक बार आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम मोटिवेशन लेक्चर के एक साल में पढ़ लूं, तीन साल का एक साल में पढ़ लूं, नो, हर चीज़ का एक सिस्टम होता है। आपने कहावत सुनी होगी पुरानी कि किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। हम किस्मत को एक तरफ रखें, समय को मेन अगर माने तो देखिए क्या होता है कि समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। मैं इस वीडियो के लिए लेता हूं, इस वीडियो को पेशेंसली आप पूरा देखेंगे तब आपकी समझ में आएगा कि सर किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। पर नहीं, हमने यूट्यूब पर चलाने वाले कुछ स्टूडेंट्स को भी ये सब चीज देखा है कि यूट्यूब पर जब चलाते हैं तो स्लाइड स्लाइड आगे बढ़ाया, जल्दी से फॉरवर्ड किया, हाँ कुछ नहीं है उसमें। अरे ऐसा कुछ नहीं हो सकता, हर वीडियो में यूट्यूब पे पढ़ा हुआ हर वीडियो कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाएगा, कुछ ना कुछ दे के जाएगा। आप उस पावर के साथ, आप उस शिद्दत के साथ, आप उस डेडिकेशन के साथ उस चीज को देखें सीखने के लिए। देखिए क्या होता है कि अगर आपको पानी भरना है और घड़ा है तो उसको आपको सीधा रखना पड़ेगा, मुंह जो रहता है नल के नीचे रखना पड़ेगा। अगर आप उल्टा घड़ा रखेंगे तो पानी नहीं भराएगा। सेम अगर बात करेंगे लेने की, तो आपको लेने के लिए, अब मैं कुछ कह रहा हूं आपसे तो आपको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जब आप उस चीज को ले पाएंगे। हम किसी भी काम को, बिजनेस हो, सर्विस हो, कोई जॉब हो, कोई पढ़ाई की बात हो, किसी से बात कर रहे हो तो वो कोई बड़े व्यापार की डीलिंग हो, धैर्य नहीं है, पेशेंस कहां चला गया है, क्या है, क्या जल्दी क्या है, जल्दी क्या है। आज के समय में लोग कहते हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। अरे भाई अपनी उम्र कम मत करो, उम्र कम मत करिए, एज कम मत करिए, आपकी एज खुद कम कर रहे हैं आप, मत करिए कम, बहुत टाइम है आपके पास। किसी बहुत अच्छे एक व्यक्ति ने बात बोली कि जिंदगी छोटी नहीं है, हम जीना देर से शुरू करते हैं। दिन छोटा नहीं है, रात छोटी नहीं है, सब ऊपर वाले परमपिता परमेश्वर ने हर चीज सिस्टमेटिक बनाया है, बराबर सबके लिए टाइम दिया है, सबका एक सिस्टम दिया है। आप उसको समझने की कोशिश करेंगे तो शायद आप अपने बच्चों में और अपने आप में भी, और हम सब अगर उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे तो हम बहुत पेशेंसली उस चीज को मेंटेन कर पाएंगे। चार बच्चे हैं, मस्ती कर रहे हैं, मम्मी पापा बात कर रहे हैं और बातों के बीच में ही मम्मी पापा ने बच्चों पर चला दिया, क्या है, चुप हो जाओ, कितनी मस्ती करते हो। तो क्या जब वो 50 साल के हो जाएंगे तब मस्ती करेंगे? लोग तो तरसते हैं बच्चों की आवाज सुनने के लिए। जिनके घर में बच्चे नहीं होते वो वहां घर जाकर देखें आप, उनके घर तरसते हैं कि कोई किलकारी हमारे घर में गूंजे, बच्चों की आवाज हमारे घर में गूंजे। उनसे पूछिए कि बच्चों की आवाज क्या होती। इन सब चीजों, ये छोटी सी बात है, एक घर की बात है। नॉर्मली अगर हम घर में अगर ये चीज देखें तो ये कंडीशन, ऑफिस में आप जब आए तो आपके जो एम्प्लॉय है, आपका कलीग है, उसने आपको बताया कि सर आज की मीटिंग थी कैंसिल हो गई, आप एकदम से बिल्कुल एग्रेसिव हो गए, अरे तो मैं इतना टाइम निकाल के आया हूँ और मीटिंग कैंसिल हो गई, कैसे हो सकता है? भाई बात तो सुन लीजिए, हो सकता है कोई ऐसा कोई रीजन हो जिसके कारण मीटिंग कैंसिल हुई, तो भाई क्यों, बात क्या है, रीजन क्या है? नहीं, रीजन हम बाद में देखते हैं, पहले हम एग्रेसिव हो जाते हैं, कोई पेशेंस, धैर्य वो खत्म हो गया, सुनिए तो पहले। हमारे अंदर ये चीज बढ़ती जा रही है और यही जो कारण है, जो नई नई बीमारियां आ रही हैं उसके पीछे भी यही रीजन है। आपके जो रिश्ते हैं, जो भी आपके रिश्ते थे, जो भी आपके रिलेटिव थे, जो आपके अपने वाले थे, वो आपसे दूर हो रहे हैं, तो रीजन यही है। आप अपने काम पर अगर कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं तो यही है, बहुत सारा काम फैला लिया है लेकिन उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? पेशेंस नहीं, हर चीज का एक सिस्टम हो। आप सिंपल सी बात है, आप अगर बहुत सारे पासवर्ड आईडीज हैं और बहुत सारी चीजें हैं तो आप एक अपनी बढ़िया डायरी में लिख कर रख लीजिए ना, रात में सुकून की नींद सोइए, अगले दिन जब आते हैं तो आप उनको देख सकते हैं, अपने आप याद हो जाएंगे। आप उनको याद रखते हैं तो उस चक्कर में आप घर के लोगों को याद नहीं रख पा रहे। कहीं जाना था आपको, किसी पार्टी में जाना था, किसी का बर्थडे है, किसी दोस्त का बर्थडे है, उसको याद नहीं रख पा रहे। कोई बड़ी उम्मीद लगा के आपसे बैठा हुआ है कि शायद ये मुझे कॉल करेंगे, आज मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा मेरे को कॉल करेगा, मुझे फोन करेगा, शायद हम भूल जाते हैं। किसी का शादी में जाना था, शायद हम भूल जाते हैं। किसी के दुख में हमको जाना, किसी के शोक में हमको जाना था, हम वहां भूल जाते हैं। क्यों? अब पासवर्ड आईडी तो याद कर लें, तब तो हम प्रभु चीज याद करेंगे। सिंपल मतलब इन सब चीजों के पीछे रीजन एक ही है, धैर्य, वो कहीं चला गया है।
इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ ये चीज समझाना चाह रहा हूँ या कहना चाह रहा हूँ या आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि कहाँ चला गया वो धैर्य। बहुत से बच्चे बोलते हैं, सर हम आपसे कितना भी पूछ लें, आप 10 बार पूछते हैं, आप डांटते नहीं, चिल्लाते नहीं, आप बता देते हैं, आप इतने फ्रेश रहते हैं, आप इतना कूल रहते हैं, इतना सब मैनेज करते हैं उसके बाद भी कूल रहते हैं। हाँ, इसलिए मैं आपको शायद बता पा रहा हूँ। आप अपने आप बताइए, सेल्फी आप लेते हैं तो ऐसे सेल्फी लेते हैं क्या? मुस्कुरा के लेते हैं। अब ये मुस्कुराने की बात भी तभी आएगी जब आपके अंदर पेशेंस होगा। अगर वो धैर्य नहीं होगा तो मुस्कुराहट कहीं चली जाती है। क्यों? मैं आपकी पिक निकाल रहा हूं और आपका दिमाग कहीं और है। अगर पिक निकाल रहे हैं तो पिक निकाल रहे हैं, और कहीं ध्यान है तो कहीं ध्यान है। ध्यान के समय कहीं पिक मना कर दीजिए और पिक के समय कहीं उस ध्यान को मना कर दीजिए। ये बहुत जरूरी है, ये आपके दिमाग की सेहत के लिए और आपको लंबा चलने के लिए और बड़े बड़े सपने साकार करने के लिए बहुत जरूरी है। देखें, आप देश के उन महान लोगों की तरफ देखें जिनके बोलने का तरीका, जिनके रहन सहन का तरीका, जिनके अपने डायलॉग डिलीवरी का तरीका। आप क्या सोचते हैं, ये लोग जो बड़े बड़े लोग हैं, कोई भी हो, राजनेता हो, अधिकारी हो, बड़े बिजनेसमैन हो, वो सक्सेस हो रहे हैं तो क्या उनके अंदर ये अधीरता है क्या? नहीं, ये अधीरता नहीं है, ये जल्दबाजी नहीं है, उनके अंदर बहुत पेशेंस है। ये पेशेंस आपको अपनाना होगा। अब आप कहेंगे, सर आपने इतना बड़ा लेक्चर तो दे दिया, अब हम इसको कैसे मैनेज करें? आप सोने से पहले अगर एक काम करेंगे तो मैं आपसे कहता हूं कि 1 हफ्ते के अंदर आप धैर्यवान बन जाएंगे। सोने से पहले 15 मिनट का एनालिसिस, 20 मिनट का एक विश्लेषण खुद का बहुत जरूरी है। आज दिन भर में क्या हुआ और क्या हम कल प्लान कर सकते हैं? देखिए, आदमी कितना सकारात्मक होता है कि सुबह वहीं जाना है, कहीं जाना है, मुझे भोपाल जाना है, मुझे दिल्ली जाना है, उसका प्लान करके सोता है, कितना पॉजिटिव है। ये पॉजिटिविटी ऊपर वाले ने दी है आपको, ये सकारात्मक सोच ऊपर वाले ने दी थी, कल तुमको ऐसा करना है इसलिए सो जाओ। जिस तरीके से, जिस सकारात्मक सोच के साथ आप सोते हैं कि मुझे सुबह उठना है, उसी सकारात्मक सोच के साथ आप ये 7 दिन तक अगर ये विश्लेषण करते हैं तो मैं दावा करता हूं कि आपके अंदर काफी चेंज आएगा। कोई आपसे कुछ कह रहा है तो पहले सुन लीजिए, अच्छे अच्छे श्रोता बनिए, आप पेशेंसली सुन लीजिए। कोई डांट भी रहा है तो सुन लीजिए, हो सकता है 10 मिनट बाद वो कहे सॉरी ये किसी और की गलती थी, मैंने आपसे कुछ कह दिया। आप बिजनेस कर रहे हैं तो टाइम दीजिए उसको, सामने वाले कस्टमर को टाइम दीजिए, वो कुछ कहना चाह रहा है। आप सर्विस प्रोवाइडर है, आपने कोई टेक्निकल चीज दी और वो खराब हो गई है तो सामने वाले अगर आपसे कुछ कह रहा है तो सुनिए उसको गंभीरता से। कोई रिएक्शन नहीं देंगे ना तो उसका एक्शन धीरे धीरे कम हो जाएगा। ये पेशेंस खत्म हो चुका है, ये धैर्य खत्म हो चुका है। इसको अपन अपनाते हैं, हम इसको अपनाते हैं, हम इसको अपनाने की कोशिश करते हैं। सिर्फ 10 मिनट अपने ऊपर एक छोटा सा विश्लेषण, एनालिसिस, कैसे मैंने आज सुबह से लेकर अभी तक रात तक क्या किया जो मेरे लिए ठीक था, जो मेरे लिए ठीक नहीं था, सो आई ट्राई टू इम्प्रूव, मैं उसको कोशिश करूंगा कि इसको मैं सुधार सकूं, और जो ठीक किया मैं किसी और के लिए भी कर सकता हूं, ऐसा ऐसा प्लान करके अगले दिन की प्लानिंग पहले से करके सोएंगे, दिक्कत नहीं होगी। दिन छोटा लगता है तो जल्दी उठिए, सुबह अमृत बढ़ता है, मॉर्निंग वॉक जाएं, योग करें, एक्सरसाइज करें, जिम जाएं, जहां जाएं, गार्डन जाएं, जहां, लेकिन सुबह एक विजिट करें, 15 मिनट घर से बाहर निकलें, ताजी हवा लें, फ्रेश माइंड हो। मैं समझ सकता हूं कि 1 हफ्ते बाद जब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूं तो आप खुद कहें कि हां सर, मैंने अपना लिया है धैर्य। कोशिश करें, आप धैर्यवान बनेंगे, मुझे पता है। आप दिमाग से, शक्ति से, धन से और वैभव से शक्तिशाली बनेंगे, बलवान बनेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, मीटिंग सून, टेक केयर एंड धैर्य के साथ, गुड बाय, टेक केयर, लव।